सो गाइज, यहाँ पे लगाई जा रही है मेहंदी, और मेहंदी लगाने के लिए दीदी को मैंने स्पेशली अमृतसर से बुलाया है। तो मैंने कहा चलो यार मेहंदी तो लगवाई जाए, और इधर गुल्ला मैडम हमारा पी रहा है दूध, एंजॉय कर रहे हैं हम अपनी मेहंदी। तो ये लग रही है हमारी मेहंदी, और ये देखो ये जो मेहंदी खराब करी है ये इस लड़की ने, मेहंदी के ऊपर कूद गई है ये अरे ये गुल्लू नो जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर टेलिंग अ लाई ओपन योर माउथ हा। सो गाइज, इधर मैंने लगवाई है पैरों पे मेहंदी, और लो पकड़ना जरा कैमरा, देखो ये लगी है मेरे हाथ पे मेहंदी, ऐसे रखो कैमरा, ऐसे रखो हाँ, और ये देखो ये दीदी ने मेरे इस हाथ पे मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि गुल्लू लगाने नहीं दे रही थी, इसीलिए तो अभी मैंने इस पे लगाई है, और लगवाई है पैरों पे, ये देखो मस्त सी। अबे यार तू मुझे लेट ही कराती है, डोंट लुक गुड ऑन यू। मैं तो ये पहनूंगी ऊपर। हाँ फिर ठीक है, जल्दी चल यार, मैं बहुत बिजी हूँ यार, मेरे को रोटी बनानी है। बना के आती यार, चल कोई बात नहीं, आ जा। ऐसे मैं बोल रही तेरे जीजू को बोल के आई हूँ कि मैं हाय गाइस, बंसल फैमिली को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पर। पहले हम लोग गए मैक्स पे, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद गए हम चुनमुन पे, फाइनली चुनमुन से मैंने और दीक्षा ने एक पैंट खरीदी है। अब डोंट नो आप लोगों को कैसी लगेगी, ये देखो ये मैंने पैंट खरीदी है और बहुत ही सुंदर है, दिखाती हूँ। तो गाइस ये है लूज पैंट, और इस पे इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी मुझे, मतलब मुझे पहन के भी अच्छी लगी, कंफर्ट लगी, और इसके अंदर साइड्स में दो पॉकेट्स दे रखी हैं, और ये थी 50% आई थिंक ऑफ पे, तो मुझे अच्छी लगी, मतलब एक डिफरेंट लुक आएगा, तो दैट्स व्हाई मैंने ये परचेज कर ली, बस यही परचेज करी है। इसके बाद हम लोग गए इंसेंस पे मार्केट में, तो इंसेंस पे हमें कुछ नहीं मिला, और अब मुझे इसके साथ समझ नहीं आ रहा ब्लैक कलर का या क्या पहनूं। प्लीज़ आज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे इसके साथ क्या पहनना चाहिए। और ये जो है मुझे 800 की पड़ी है, मैं आपको बता देती हूँ। और इधर मैंने सारे पे सूट्स वगैरह जो है वो लाइन से लगा रखे हैं, इधर मत जाना, ये पूरी अलमारी मेरी बाकी मेसी हो गई है। अच्छा, आई वॉज थिंकिंग समथिंग, और चलिए रास्ते मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, इधर आ चुके हैं मेरे पति देव भी, और खाना वाना हम सब का सब हो चुका है, और बस हम सोने ही जा रहे हैं। पिछले 3 घंटे से हम यही सोच रहे हैं कि हम सो रहे हैं। सोनू, पिछले 3 घंटे से हमारे साथ क्या हो रहा है, पिछले 3 घंटे के से हमारे साथ ये हो रहा है। दूध आपको पीना नहीं है, रख दो, अब आप रख दो। वैसे आप मुझे कहोगे कि सोनिका आप इसको पिंस नहीं लगाते हो, पिंस रबड़ बैंड सब लगाती हूँ मैं इसको, लेकिन ये लड़की फिर अपने बाल जो है वो ऐसे करके रखती है। सोनू प्लीज गुल्लू को सुला दो यार, सोनू सुला दो, मेरे को भी नींद आ रही है यार, तो ये सो नहीं रही है, मैं क्या करूँ। मेरा अरे भाई साहब गुल्लू, क्या तेरे को मजे आते हैं चश्मा तोड़ने में मेरे, तेरे चक्कर में मैंने चश्मा लगाना छोड़ दिया। देख रहे हो 2:30 बजे भी ये फुल ऑन मस्ती में है। बाल भी नहीं दिख रहे तेरे, तेरी आंखें भी नहीं दिख रही हैं, बाल दी बाल दिख रहे हैं।
मेरा बाबू कितना बड़ा, मेरा बाबू कितना बड़ा। अच्छा चलिए तो बताते राखी पे क्या करेगा। अब भाई पहले मुझे ये बता गुल्लू, राखी 11 तारीख की है 12 तारीख की? यही असमंजस में है। कोई कह रहा है कि जो बदरा लग रहा था बदरा वो पताल लोक में चला गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार तू तो माता रानी है ना बाबू, तू बता 11 की है 12 की है? राखी 11 की है 12 की है? गुल्लू बता 11 की है 12 की है? गुल्लू गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जब तक ये व्लॉग जाएगा आप बता चुके होंगे कि राखी कब की है। तो ये देखो, ये मेरी इस हाथ की मेहंदी और इस हाथ पे मैंने खुद लगा ली थी और जो आधी से ज्यादा बिगड़ चुकी है। पैर की भी दिखाती हूँ, मेरी पैर की मेहंदी ये देखो। अच्छा धुलेगा ना तुम्हें तब पता चलेगा। ये साइड्स में ऐसे लगाई है दीदी ने। गाइस टाइम देखो 2:15 थर्सडे यानी रात के 2:15। और इसकी फुलान मस्ती देखो, भाई जी सोई नहीं रही है। मेरे को नींद आई है गुल्ला, प्लीज हो जा। कल देख सुबह मैं तेरे को 5 बजे उठा दूंगी। मेरे प्रेस वाले कपड़े बड़े हैं, प्लीज सो जा, सो जा ना गुल्लू। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। चल पापा को पारी तो करा, पारी कर दे पापा को। बड़ा हो गया यार गुल्ला, वक्त कैसे बीत जाता है। इत्तू सा पैदा हुआ था, इत्तू सा, अब इत्तू हो गया, फिर इत्तू हो जाएगा, फिर पढ़ स्कूल जाएगा, फिर पढ़ाई लिखाई करेगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। समय कितनी जल्दी बीतता है भैया। रात को भाई 2:30-2:15 बज रहे हैं सोनू। सो जा मेरी माँ, सो जा, सो जा, सो सो गाइस गुल्लू तो सोने दे नहीं रही और मुझे लग गई है भूख, तो मैं किचन में कुछ खाने जाती हूँ। क्या मिलेगा मुझे, मैं डर लगता कहीं वरना रात को कोई चूहा चिपकली ना गुस्सा पाओ, लेकिन आएगा भी कहाँ से। मेरे पास है ये बेसन की नान कटाई, जो मेरा मन नहीं कर रहा खाने तो बंद कर देती हूँ। मीठे वाला ये है बटर कैश्यू, लेट मी चेक। आया चलो अब सो जाओ, बिस्किट बोल रखते हैं।